तो भाई इसे संभाला नहीं जा रहा है, तो चलो इसको अभी अंदर लगा देते हैं। चल अंदर, चल चल चल, टाइगर कम कम। भाई ये देख लो, ये टाइगर। और ये मेरे से बड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया भाई इसको। मैं जब बाहर लेके जा रहा था ना, पता नहीं क्या हुआ, इसका पाँव मेरे नीचे, पाँव के नीचे आ गया, पता नहीं क्या हुआ, और उसकी वजह से मुझे पहचान भी नहीं रहा है। आया अभी, अबे ओए 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 यार, ये बड़े नुकसान करता है कसम से, कुछ कुछ गिरा देता है। टाइगर नो नो, अभी मैं नहीं, मेरे प्यार ओए हट। ये है भी समझदार है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन इसको गुस्सा आ गया मेरे पे। नो बेटे, मेरे पे गुस्सा इसलिए आया, शायद इसको ज़्यादा से जोर से खींचा मैंने पकड़ के ना, तो तभी इसको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ दोस्तों, और बहुत दिनों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मेरा फ़ोन है जो वो टूट गया था, और फ़ोन भी ख़राब हो गया था, इसी वजह से वीडियो एडिटिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने अभी फ़ोन रिपेयर करवा दिया है। और साथ में भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है, और ना ही भाई हुई है हमारे यहाँ पे, लेकिन अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो चलो आपको दिखा देते हैं हम आज बाहर का एरिया और कितनी ज़्यादा गर्मी है भाई। हालांकि हमारे आसपास घर के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं इसकी वजह से, लेकिन फिर भी भाई बहुत गर्मी है। दिन में ना बड़ी मुश्किल हो जाती है गाँव में, आप लोगों को पता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं भाई, हम एसी वेसी नहीं लगाते, ठीक है? तो एसी और जो फैन वगैरह उसके नीचे रह के भी बंदा बहुत ही मुश्किलों में पड़ जाता है आजकल। तो चलो आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ अभी। अभी घर के अंदर हूँ मैं, मम्मी यहाँ पे कर रही है पूजा, तो ये देख लो भाई, अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, और धूप देखो किस हद तक कैसी हो गई भाई। देखो ये देख लो ना, जंगल हमारे यहाँ पे, इसकी वजह से ना अभी मौसम थोड़ा ठंडा रहता है सुबह सुबह, और उसके बाद भाई बहुत मुश्किल होती है। वो देखो स्कूबी मैंने वहाँ पे बांधा हुआ है, और ब्राउनी वहाँ पे है, और टाइगर को मैंने अंदर लगाया है भाई, उसका मेरे साथ झगड़ा हो गया सुबह सुबह, और कसम से भाई उसने मेरे मुझे काटने को आया यार, इतनी तेज आया भाई, वो इतनी जल्दी पहचान भूल गया वो कि भाई ये बंदा है कौन, जो मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे तो इसी वजह से भाई वो मेरे पे पड़ गया। तो आज हम जो ब्राउनी है वो दे देंगे किसी को, क्योंकि यार तीन डॉग हो चुके हैं मेरे पास, और मेरे से ये काम इतना, मतलब कि इतनी परवरिश मेरे से नहीं हो पाती है यार, बहुत खर्चा होता है इन पे। तो अभी टाइगर तो इन सबसे बड़ा है, दो तीन के बराबर है भाई, वो इतना बड़ा है, आपको वीडियो में दिखाऊंगा, मैंने लाइव में दिखाया था। तो उसकी थोड़ी सी डाइट वगैरह प्लान करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो अभी देखते हैं। जिस बंदे को दे रहा हूँ ब्राउनी, उसको बोला है कि भाई अपने पास अच्छे से रखना इसको, और चलो मैं आपको ब्राउनी दिखा देता हूँ अभी। अभी यहाँ पे देखो मैंने पेड़ लगाए थे, ये देखो हाल ही में लगाए थे, इतने इतने बड़े बड़े हुए हैं, इनके बीच में लगाए थे, और अभी हवा चल रही है कितनी ज़्यादा, देख सकते हो ना, हवा भी चल रही है दोस्तों, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। और यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, ये हमारी गाय का घर है इधर, अक्सर अभी अंदर अभी फ़ैन लगाऊँगा मैं इनका अंदर जा कर। ये ब्राउनी आपको दिखाता हूँ मैं, इसकी एक ही प्रॉब्लम है यार, ये पॉटी करके ना खुद ही खा जाती है, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती वो चीज़। देखो ये इतनी छोटी सी लाई थी मैंने, और अभी इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है? तो ये भी जो पॉटी खा जाती है ना अपनी, मुझे तब गुस्सा आता है इस पर। तो अभी यार इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है साथ में, पता नहीं उसी की वजह से हो रही है। तो एक बंदा कल मेरे को बोल रहा था, भैया मेरे को दे दो, तो मैंने सोचा चल यार ले जा तू, इसकी अच्छे से परवरिश करना, और कोई बात नहीं ले जा तू भाई। तो अभी आप देख सकते हो भाई सारा कुछ सूख गया है यार, चारों तरफ देखो सूखा हुआ मौसम आपको दिख रहा होगा, बारिशें नहीं हो रही हैं भाई, तो इसी वजह से मौसम सारा सूख गया है, ठीक है? तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, सुबह सुबह का मौसम है इसलिए बाहर आया हूँ, नहीं तो भाई यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अभी हम कहीं घूमने भी नहीं गए भाई, अच्छा सोच रहे चिनाब नदी के किनारे जाएँगे जो जब आरबी को टाइम होगा। एक्चुअली मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, मेरी जो बाइक थी ना, आपको बताया बुलेट की, जो बुलेट बाइक थी भाई उसकी हो गई थी क्या, कि वो यहाँ पे मैंने जहाँ पे ब्राउनी है वहाँ पे लगाया हुआ था धो के एकदम से, और
एकदम से गिर गया। तो ऐसे पेड़ फसाद में, पेड़ के साथ उसका जो टंकी लगने से ना वो इतना डैमेज हो गई कि भाई उस पर इतना गड्ढा बढ़ गया था, मैंने दिखाया भी था। तो फिर मैं उसके बाद उसको एजेंसी में लगा लिया। आज आपको बता दूँ 7-8 दिन हो गए मैं एजेंसी में लगा हुआ है वो, और मिला नहीं है मेरे को अभी तक। और दूसरे छोटे भाई की बाइक थी वो भी ख़राब हो गई थी, तो सुबह कल उसने वो भी रिपेयर करवा दी है। और आज आरबी और वो दोनों शॉप पे गए हैं, तो इसीलिए आरबी के पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा काम है शॉप पे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो जाएंगे हम कभी घूमने। तो आज का जो ब्लॉग था हमारा, अभी देखो मेरे खेत देख लो भाई कितने सूख रहे हैं, और यहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचती है, यहाँ पे इन खेतों में ना गाड़ी नहीं पहुँच सकती यार। इतने ज़्यादा खेत नहीं है मेरे पर, थोड़े से हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचती ना, वही प्रॉब्लम होती है, ट्रैक्टर नहीं आता। ट्रैक्टर यहाँ पे देख लो, ये है एक खेत, यहाँ से नीचे वो नीचे वाला, ठीक है। और इस तरफ से आपको बता दूँ ये बाहर वाले एरिया से यहाँ से आता है ये वाला, तो यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं पहुँचता है। हमारे यहाँ ट्रैक्टर बोलते हैं, आप यहाँ ट्रैक्टर बोलते हैं, तो उससे बैल चाहिए होते हैं। बैल यहाँ पे अभी फ्री नहीं है किसी के भी, तो इसलिए फिर जब बैल होंगे किसी के फ्री तो भाई अभी लेके आएंगे, तब तक तो ये सूख जाएगी पूरी तरह से। और अभी मैं आपको यहाँ के जंगल दिखा रहा हूँ, ये देख लो हमारे चारों तरफ कितने अच्छे जंगल हैं। इसी वजह से यहाँ पे ना बड़ी छांव रहती है, पूरा मौसम ठंडा रहता है, लेकिन 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। तो अभी 8 दिन तक मैंने बारिश का हाल देखा, कोई भी बारिश दिखाई नहीं है कहीं पर भी, तो यार बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये देख सकते हो आप जंगल, पूरा का पूरा जंगल मैं इस तरफ घुमा के दिखा दूँ आपको, है ना। तो दोस्तों आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है यार, चाहे शहरों में रह रहे हो चाहे गांव में रह रहे हो ना, ऐसे पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट करो भाई। जब अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है भाई, हमारे बच्चे हैं, वो मुश्किलों में बढ़ जाएंगे। और मुश्किलें भी बड़ी घातक होंगी भाई, कुदरत के साथ खिलवाड़ करने वालों से बहुत बुरा होता है। आपने देखा है उधर हमारे जहाँ पत्नीटाप वाली साइड में, पत्नीटाप की उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ज़मीन धस गई भाई इतनी ज़्यादा, जो जब कुदरत अपना नियम तोड़ती है ना तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सब भाइयों से कहना है कि जितने भाई अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और उससे क्या होगा कि भाई जो ज़मीन है उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, जो ये पेड़ पौधे होते हैं इनकी बड़ी बड़ी टहनियाँ और जड़ें होती हैं ना, जो इनके तने होते हैं ना नीचे ज़मीन में, वो ज़मीन को पकड़ लेते हैं। और जितने घने पेड़ होंगे उतना ज़्यादा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, और साफ़ सुथरी हवा हमको देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा भाई। अभी यहाँ पे इतना सुकून है, ठंडी हवा चल रही है, हालांकि 1-1.5 बजे के बाद यहाँ पे भी गर्मी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये आपको मैं सुकून भी दिखा दूँ, ये बड़ा मस्त है, आपको पहले भी दिखाया मैंने, ये मस्त है। ये ना अपने बैठी नो, ये इन पर पड़ रहा है मुर्गी के छोटे छोटे चूजे है ना, ये देख लो, ये देख लो चूजे बहुत सारे हैं यहाँ पे है। ये वाली है, वो वाली भी है, उधर एक वो उधर है, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। ओए तो ये बहुत शरारती है, सोचता है मेरे साथ खेल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लव यू गाइस मिलने के लिए वीडियो में हमारे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आएंगे। चलो बाय बाय।